जो हमारे हैं वो पहले ही एडवाइजरी करते हैं, वो ट्वीट भी करते हैं, वो वीडियो पैगाम भी देते हैं लोगों को कि एडवाइजरी के मुताबिक चले। साहिबान का हम पर जो हाथ है, हमारे हौसले उनके हाथ रखने से बुलंद हो जाते हैं, तो हम भी हमें फिर पता ही नहीं, हम शौक से और ज़्यादा जोश जज्बे से करते हैं। इसमें क्रम मैं हूँ मलिक मुदसर। दो रोज आज जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का ट्रैफिक का बंद था। आज सुबह से कैप्चर के मुकाम पर जो क्लियरेंस का काम चल रहा है, साथ मौजूद हैं बशरत निज़ामी साहब जो काफ़ी अलर्ट रहते हैं हाईवे के ऊपर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो काफ़ी छाए रहते हैं। अभी आती है लैंडस्लाइड है और मडस्लाइड्स भी है और इतना टफ जॉब है कि दो रोज आज ट्रैफिक बंद था और आज जो क्लियर हुआ आप तक क्या कहना चाहते हैं सर? बस सर क्या कहेंगे, आप देख रहे हैं रोड तो क्लियर कर दिया, सुबह 6 बजे से लगे थे, कर दिया क्लियर सर। जी जी, थोड़ा यार कैमरे की तरफ। जी जी, तो मैं जैसे कि आप एडवाइजरी निकालते हो कि पहले कंट्रोल रूम से रब्ता कीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए हाईवे पे, तो ऐसे भी लोग जो अननेसेसरी अपने घरों से निकल कर आते हैं तो हाईवे में परेशानियों का सामना भी उन्हें करना पड़ता है, खासकर विंटर्स में चाहे बारिश हो किन वजह से उनको प्रॉब्लम्स आते हैं। और साहब बहादुर हैं यहाँ हायर अप्स जो हमारे हैं वो पहले ही एडवाइजरी करते हैं, वो ट्वीट भी करते हैं, वो वीडियो पैगाम भी देते हैं लोगों को कि एडवाइजरी के मुताबिक चले, रूल्स का फॉलो करें, जैसे कि ट्रैफिक कवानीन है इनके मुताबिक चले, लाइन एंड डिसिप्लिन मेंटेन करके चले। तो वो पहले आप सुबह से शाम तक इसके चेयरमैन और ना जो फर्ज इंजाम देते ड्यूटी है, तो क्या कहना चाहते हो? बस सर हमारे ऑफिसर साहिबान का हम पर जो हाथ है, हमारे हौसले उनके हाथ रखने से बुलंद हो जाते हैं, तो हम भी हमें फिर पता ही नहीं, हम शौक से और ज़्यादा जोश जज्बे से करते हैं। किस तरह से अपने आप को सेफ रखना है इस सिचुएशंस में, इन मैन पार्टिकुलर प्लेसेस में जहाँ पे लैंडस्लाइड्स आते हैं? तो सर इनसे यही निवेदन करते हैं, हमारे साहिब अफसर साहिबान भी इनको ये ट्वीट भी करते हैं, ये भी वीडियो पैगाम भी देते हैं कि जहाँ भी लैंडस्लाइड एरिया है वहाँ ना रुकें और ज़ोर ज़बरदस्ती से ना करें। जैसे कल एक भाई ने यहाँ ज़ोर ज़बरदस्ती की थी तो यहाँ उसकी गाड़ी फंस गई। कोई बात नहीं यार, हमारे कब्जे हो जाए गई थी। तो फिर मैंने एसएसपी साहब बहादुर से बात की, मैंने बोला सर ऐसा ऐसा मसला है तो ये नहीं रुके, तो फिर हमारे एसएसपी साहब बहादुर ने एसडीपीओ साहब और एसएचओ साहब और हमारे ट्रैफिक डीएसपी साहब और इनके एस्कॉर्ट को भेजा, तो और ये सर क्या बोलते हैं इसको जेसीपी भी भेजा साहब ने सुविधा की, तो उनको फिर सही सलामत निकाला, मगर बड़ी मुश्किल से, ऊपर से पत्थर भी आ रहे थे, ये स्लाइड भी आ रही थी, तो रात का वक्त था, तो इन चीज़ों से परहेज करें। तो सर ये लाइन जो डिसिप्लिन लाइन के साथ चलना, डिसिप्लिन के साथ, ये आप बार बार हमेशा बोलते रहे सर। तो सर सर हमारे जो हायर अप्स है उनकी तरफ से हमें हिदायत होता है कि लोगों को अवेयर करो इन चीज़ों से, तो इसके मुताबिक हम उन लोगों को अवेयर करते हैं कि लाइन एंड डिसिप्लिन को मेंटेन करके चले। होती है वो ओवरटेक कर ट्रैफिक का जाम लग, इस तरह का जो ड्राइव करना अच्छा नहीं है। बिल्कुल सर नहीं अच्छा है, बिल्कुल सर उनसे यही गुजारिश करते हैं कि लाइन एंड डिस्प्ले। अच्छा ठीक है, अब दो रोज जो ट्रैफिक था वो बंद था जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का, यहाँ पे जो काम चल रहा है क्लियरनेस का अभी जो क्लियर है, तो क्या अब इस वक्त जो ट्रैफिक कब तक ये रेस्टोर होगा? ये हायर एप्स का काम है सर, ये वही बता सकते हैं, ये हमारा काम नहीं है सर, हमें हायर एप्स की डायरेक्शन के मुताबिक चलना होता है। इस प्रोग्राम को आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं डॉक्टर समीता सोफत हॉस्पिटल लुधियाना पंजाब, बे औलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण।